नमस्कार, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करते हैं कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल शो लॉकअप की। कंगना रनौत के शो लॉकअप में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को जमकर नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन एक दूसरे के साथ तो वो बदतमीजी करते ही हैं, बल्कि साथ में वो जेलर करण कुंद्रा और कभी कभी तो क्वीन कंगना रनौत से भी बहस लड़ाते नजर आते हैं। जहां पहले इस कड़ी में साइशा का नाम शामिल था, तो वहीं अब मंदाना को ऐसा करते देखा जाता है। वो अक्सर कंगना और करण से बहस करती नजर आती हैं, जिसके चलते करण ने उनको लताड़ भी लगाई थी। लेकिन खास बात यह है कि इस शो में काम आने पे ये कंटेस्टेंट्स जो एक दूसरे से लड़ाई और टास्क में भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहीं टास्क से अलग एक दूसरे के सगे बनते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या करें, बेचारे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और इसके साथ ही उनका भाईचारा भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं और फिर से अपने असली रंग में दिखाई देने लगते हैं। आपको बता दें कि मंदाना करीमी और पायल रोहतगी की दुश्मनी लॉकअप में हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। दोनों कैदियों को अक्सर जेल में एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखा जाता है, खासकर टास्क के दौरान एक दूसरे से लड़ने में दोनों बिजी रहते हैं। आपको बता दें कि पिछली रात जैसा कि टीमों को चटनी बनाने के लिए कहा गया था, पायल और मंदाना ने एक बार फिर से अपनी लड़ाई का हॉर्न बजा दिया, जिससे उनके टीममेट्स को काफी निराशा भी हुई और इसी के साथ उनकी ऑरेंज टीम को हार का सामना भी करना पड़ा। इसके साथ ही करणवीर ने भी पायल के साथ मंदाना के क्लैशेस को सुलझाने की कोशिश की, तो दोनों ही मंदाना और पायल अपनी चीजों को लेकर अड़िग थी और अपने स्टैंड पर अड़ी रही। मंदाना ने जहां पायल की इनकैपेसिटी को लेकर उनको क्रिटिसाइज किया, तो वहीं पायल ने मंदाना पर गाली देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि करणवीर ने एक कुत्ते को बाहर निकाला है जो उनके सामने भौंकता रहता है। मंदाना ने अपनी ओर से कहा कि पायल तुम स्वार्थी हो और कभी भी टास्क में परफॉर्म नहीं करती, तो बस इस लड़ाई को देखते हुए दूसरी टीम ने मंदाना के खिलाफ पायल को उकसाने की कोशिश की, जिससे दोनों के बीच एक और मुकाबला हो गया। इसके बाद मंदाना करीमी और आजमा फला भी एक लड़ाई में शामिल हो गए। मंदाना ने गालियां दी तो आजमा ने जवाब दिया कि उसके माता पिता ने उसे कुछ नहीं सिखाया और उसके पेरेंट्स को टारगेट करते हुए मंदाना को टॉन्ट कस दिया। इससे मंदाना काफी गुस्सा हो गई और उसने आगे बढ़कर आजमा का हेयर बैंड तोड़ दिया और अगली बार ऐसा कुछ कहने पर मुंह तोड़ने की धमकी भी दी। दोनों के साथ इस डिस्कशन में सारे कैदी शामिल हो गए, जबकि आने वाले इस एपिसोड में जो कुछ भी होगा वो काफी सरप्राइजिंग भी होगा, क्योंकि मंदाना जेलर करण कुंद्रा से अपने मिसबिहेवियर को लेकर माफी मांगेंगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते टास्क के दौरान मंदाना और करण के बीच दूसरी टीम का साथ देने का आरोप लगाने के बाद झगड़ा हुआ था। तब मंदाना ने करण पर उनकी टीम को सपोर्ट ना करने का आरोप लगाया था, तो करण ने उनको विमेन कार्ड प्ले ना करने की नसीहत दी। आपको बता दें कि आज रात के एपिसोड में जैसे ही करण कुंद्रा शो में आएंगे, मंदाना अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगती दिखेंगी। अब देखना ये होगा कि करण इस बात पर क्या कहते हैं और क्या वो मंदाना को माफ करते हैं या नहीं, या फिर उनके बिहेवियर को लेकर उनकी स्कूलिंग करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।